भारत सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यक्रम में रेल मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया है और उसमें ये दूसरे कार्यक्रम के साथ में ये निर्देश देने का काम किया है कि भारतीय रेल के 7 प्रोडक्शन यूनिट उत्पादन इकाइयों को निगमीकरण करके और प्राइवेट हाथों में देने का काम किया जाएगा 31 अगस्त 2019 से पहले, और इसके साथ ही 2 पैसेंजर ट्रेन्स को प्राइवेट करने के लिए IRCTC के माध्यम से निजीकरण करने का निर्णय करने का काम किया है। इससे देश भर के रेल कर्मचारियों में असंतोष है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने पूरा एक विरोध सप्ताह का आयोजन करके सरकार के इस निर्णय का विरोध करने का काम किया है और सरकार से मांग की जा रही है कि अपने इस निर्णय पर फिर से समीक्षा करने का काम करें। भारतीय रेल एक लाभ में चलने वाला उद्योग नहीं है, बल्कि ये देश की आम जनता का, विशेष तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग का एक सुगम, सुरक्षित और सस्ता यातायात का साधन है, और इस पर यदि प्राइवेटाइजेशन की तलवार लटकने का काम हुआ तो देशवासियों को इसका बहुत नुकसान होने का काम होगा। साथ ही रेलवे को जो एक सरकारी दर्जा मिला हुआ है, इस सरकारी दर्जा भी छीनने का काम होगा। हमने देखा है इस देश में जिस जिस उद्योग का निगमीकरण हुआ है, राजस्थान रोडवेज को हम देख रहे हैं किस स्थिति में है, BSNL की क्या दुर्गति होने का काम हुआ है, तमाम उद्योगों को जिसको भी निगम का दर्जा मिलने का काम हुआ है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम किया है। उन उद्योगों को बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए आज ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश भर में काला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारी काली रिबन पहन करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जगह जगह इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके और सरकार से अपना ये निर्णय वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। मांग एक सूत्री मांग है जो सरकार ने अभी 18 जून को एक पत्र जारी किया है, जिसे एक्शन प्लान के तहत 100 दिन के अंदर अंदर रेलवे की जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है जिनके अंदर निर्माण का कार्य होता है, चाहे वो डिब्बों का निर्माण हो, चाहे मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण हो और चाहे इंजन के डिब्बों का निर्माण हो, उन सबको निगम में तब्दील करके और प्राइवेट लोगों को बेचने का प्लान 100 दिन के अंदर बनाने का काम किया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर काला दिवस, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की सभी यूनियन ने अपने अपने जोन में काला दिवस बना रहे हैं। सुबह से हमने आज कर्मचारियों के ये काले बैचेज लगाने का काम किया है और फिर उसके बाद में हमने यहाँ भारी संख्या के अंदर कर्मचारियों के अंदर रोष है, विरोध प्रदर्शन किया है। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।